पहली जो रेड आई है वो आई है सनराइजर्स स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से, 13 नंबर खिलाड़ी की रेड है। रफी साहब टाइम कितना रखा है मैच का? 15 10 दो दस ही रखा है इसका लिए। 10 2 10 है इस मैच का टाइम पीरियड 15-5 और अब एमडी क्लब की तरफ से गए हैं आगे बढ़ेगा वो डिसाइड करेंगे फिर रेफरी। 6 नंबर खिलाड़ी सूरज रेड करने के लिए। और बोनस मिला है रेडर सूरज को जो कि 6 नंबर के खिलाड़ी हैं। अब आए सनराइज क्लब की तरफ से 5 नंबर खिलाड़ी रेड करने के लिए। और अब एमडी क्लब से गए हैं 6 नंबर खिलाड़ी सूरज दोबारा रेड करने के लिए। पिछली रेड भी इन्होंने ही करी थी और एक खिलाड़ी को आउट किया है इन्होंने सनराइजर क्लब के खिलाड़ी को और एक पॉइंट लिया है एमडी क्लब के लिए। अब आए हैं 4 नंबर खिलाड़ी सनराइजर्स क्लब से रेड करने के लिए और खिलाड़ी को पकड़ा कैच किया एमडी स्पोर्ट्स क्लब ने और एक और पॉइंट मिल गया है एमडी स्पोर्ट्स क्लब को। एक और पॉइंट मिला है एमडी स्पोर्ट्स क्लब को। अब 12 नंबर खिलाड़ी कुंदन एमडी स्पोर्ट्स क्लब के लिए रेड करने गए हैं और एक और पॉइंट मिला है एमडी स्पोर्ट्स क्लब को, उन्होंने एक खिलाड़ी को आउट किया था। अब आए हैं सनराइजर क्लब के लिए रेड करने के लिए। बहुत बढ़िया खिलाड़ी और उसको खिलाड़ी को पकड़ा एमडी क्लब के खिलाड़ियों ने और एक और पॉइंट लिया एमडी स्पोर्ट्स क्लब के लिए। 12 नंबर खिलाड़ी एमडी स्पोर्ट्स क्लब के लिए रेड करने गए और कोशिश है लेकिन इस खिलाड़ी 12 नंबर खिलाड़ी को पकड़ लिया है सनराइजर्स स्पोर्ट्स क्लब के खिलाड़ियों ने। सुपर टैकल था ये, दो पॉइंट मिले हैं सुपर टैकल के सनराइजर खिलाड़ी टीम को। रेड पर आए थे सनराइजर के खिलाड़ी, अब गए हैं सूरज 6 नंबर खिलाड़ी एमडी स्पोर्ट्स क्लब से रेड के लिए। और इसी के साथ दो पॉइंट मिले एमडी क्लब को, दो खिलाड़ी आउट हुए सनराइजर क्लब के। और अब आए हैं सनराइजर क्लब की तरफ से खिलाड़ी नंबर 10 थे, ये किसी खिलाड़ी को आउट नहीं कर पाए और फिर 12 नंबर खिलाड़ी गए हैं रेड करने के लिए एमडी स्पोर्ट्स क्लब के लिए। और सेक्शन में जो नेक्स्ट मैच होगा कबड्डी क्लब वर्सेस आर्यभट्ट कॉलेज, ये दोनों की तैयारियां करें। दोनों खिलाड़ी को आउट किया और दो पॉइंट और मिले हैं एमडी स्पोर्ट्स क्लब को, लोना लगा है। अब रेड पर है 13 नंबर खिलाड़ी सनराइजर स्पोर्ट्स क्लब से। किसी खिलाड़ी को आउट नहीं कर पाए और फिर सूरज 6 नंबर खिलाड़ी एमडी स्पोर्ट्स क्लब से रेड पर गए हैं। किसी खिलाड़ी को आउट नहीं कर पाए सूरज 6 नंबर खिलाड़ी एमडी क्लब के। अब फिर थर्ड रेड है, डू और डाई, अगर कोई खिलाड़ी आउट नहीं कर पाते हैं तो रेडर आउट हो जाएंगे। डू और डाई रेड थी, कोई खिलाड़ी आउट नहीं कर पाए और खुद बाहर हो गए रेडर।
फिर 12 नंबर खिलाड़ी कुंदन रेड पर एमडी स्पोर्ट्स क्लब के लिए, एक खिलाड़ी को आउट किया कुंदन ने और पॉइंट मिला है एमडी स्पोर्ट्स क्लब को। एमडी स्पोर्ट्स क्लब को अब खिलाड़ी नंबर 7 हैं, 27 हैं रेड पर मोंटी एमडी स्पोर्ट्स क्लब के लिए, और बहुत अच्छी डाइव लगाई थी इन्होंने, बहुत ही अच्छी डाइव लगाई थी, खिलाड़ी नीचे थे उनके ऊपर से जंप किया और अब रेड पर हैं 5 नंबर खिलाड़ी सनराइजर्स क्लब के, और इस खिलाड़ी को पकड़ लिया एमडी स्पोर्ट्स क्लब के खिलाड़ियों ने, एक और पॉइंट मिला है। और एक बार फिर रेड पर गए 27 नंबर खिलाड़ी एमडी स्पोर्ट्स क्लब के मोंटी, झपकने वाला ट्रैक्टर था जिसमें बिल्कुल, और एक और पॉइंट मिला है एमडी स्पोर्ट्स क्लब को, मोंटी ने सनराइजर क्लब के एक खिलाड़ी को आउट किया। सनराइज स्पोर्ट्स क्लब का देखना है किसी को नहीं, और 10 नंबर खिलाड़ी रेड पर आए थे सनराइजर क्लब के और उसको पकड़ लिया, और एमडी स्पोर्ट्स क्लब ने एक और लोना लगाया है 6 नंबर खिलाड़ी जो हैं सूरज, वो एक बार फिर रेड पर एमडी क्लब के लिए टैकल किया था, आ ही रहे थे तीसरा अपने आप आया और 3 पॉइंट लेकर सूरज वापस लौटे हैं। 3 आपका खिलाड़ी आउट हो गए पहली रेड में ही सनराइजर क्लब के, और ये हाफ टाइम, इसी के साथ कोर्ट चेंज हुआ दोनों खिलाड़ियों का, और लीड पर है स्कोर कॉल कर देना एमडी स्पोर्ट्स क्लब। प्रदीप जी स्कोर कॉल कर देना, इस मैच के अंपायर है फर्स्ट अंपायर छोटा नितिन जी और सेकेंड अंपायर बड़ा नितिन, 24-2 स्कोर है, 24-2 एमडी स्पोर्ट्स क्लब, 24-2 का स्कोर है, 24 पॉइंट है अभी तक एमडी स्पोर्ट्स क्लब के और 2 पॉइंट है पहले दो मैचों में, देखना है यहाँ पर सनराइज स्पोर्ट्स क्लब के पॉइंट्स रिकॉर्ड कर सकता है। अगले मैच की सेकंड कॉल दे रहे हैं कबड्डी क्लब और आर्यभट्ट कॉलेज, कबड्डी क्लब और आर्यभट्ट कॉलेज सेकंड कॉल फॉर नेक्स्ट मैच, प्लेयर्स प्लीज बी रेडी, गेट योर सेल्फ फॉर्म डाउन, 2 मिनट का रेस्ट है उसके बाद फिर मैच शुरू होगा। कॉलेज सनराइजर क्लब के खिलाड़ी प्लानिंग करते हुए, डिस्कशन करते हुए कि कैसे जो लीड है सनराइज एमडी स्पोर्ट्स क्लब की उसको कम किया जाए, और अब चेंज ले रहे हैं, सनराइजर स्पोर्ट्स क्लब ने चेंज लिए हैं, 4 नंबर खिलाड़ी बाहर हैं और 3 खिलाड़ी नंबर खिलाड़ी को कोर्ट में लिया है कोच, और 10 नंबर खिलाड़ी बाहर आए हैं और 1 नंबर खिलाड़ी कोर्ट में गए हैं। छह नंबर खिलाड़ी बहुत अच्छी डाइव लगाकर ये हाथों से अपने आप को बचाया और पॉइंट लेकर गए सूरज। और 13 नंबर खिलाड़ी ने इशारा किया कि एक आउट है और रेफरी ने माना खिलाड़ी आउट था और 1 पॉइंट और मिला है सनराइज स्पोर्ट्स क्लब की ओर से, सनराइजर स्पोर्ट्स क्लब को।
अब 10 नंबर खिलाड़ी हैं रेड पर एमडी स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से। और पॉइंट लिए हैं, तीन पॉइंट मिले हैं, तीन खिलाड़ी आउट हुए हैं। तीन खिलाड़ी आउट हुए हैं, बचा हुआ है सनराइज स्पोर्ट्स क्लब का। सनराइज स्पोर्ट्स क्लब के एक खिलाड़ी बचे हैं बस, और उसको भी पकड़ लिया है, और उसको ऑल एक और लोना लगा है, और एक और लोना लगा है कॉल एमडी क्लब की तरफ से। टाइम आउट मांगा है सनराइज स्पोर्ट्स क्लब ने। और खिलाड़ी चेंज करेंगे, पांच नंबर खिलाड़ी कोर्ट में जाएंगे, चार नंबर खिलाड़ी बाहर आएंगे, पांच नंबर खिलाड़ी बाहर आएंगे और 14 नंबर खिलाड़ी कोर्ट में जाएंगे। अमन ग्रीट कर रहे हैं एमडी स्पोर्ट्स क्लब की ओर से, और अच्छी कंकाठी के रेडर कोशिश की है इन्होंने, अच्छी रेड थी और एक आउट किया, चार नंबर खिलाड़ी थे अमन एमडी स्पोर्ट्स क्लब को। अब रेड है सनराइजर स्पोर्ट्स क्लब की। छोटा नितिन हमारे अंपायर थोड़े से नर्वस, बड़े मैच में जिम्मेदारी दी गई, ऐसे ही बनता है धीरे 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 धीरे, जैसे प्लेयर डेवलप होता है ऐसे ही अंपायर भी डेवलप होता है। और किसी खिलाड़ी को आउट नहीं कर पाए, वापस आए अपने कोर्ट में। अब रेड पर दोबारा है 10 नंबर खिलाड़ी, बबलू रेड कर रहे हैं एमडी स्पोर्ट्स क्लब की ओर, एमडी स्पोर्ट्स क्लब के लिए। अंदर तक बुला लिया था सनराइज स्पोर्ट्स क्लब ने, इजी बोनस दिया उसको, बोनस लेकर वापस गए हैं और आगे बढ़ता हुआ 10 नंबर खिलाड़ी सनराइज स्पोर्ट्स क्लब एमडी स्पोर्ट्स क्लब के। अब रेड पर है 7 नंबर खिलाड़ी दिख रही है यहाँ पर सनराइजर्स क्लब के की ओर से। पांच मिनट यही बीत जाएंगे, 4-3-2-1 की कॉल आते आते। एक सिंपल रेट ऐसा लगा ही नहीं कि वापसी के लिए इंटरेस्टेड है सनराइज स्पोर्ट्स क्लब। एक और चार नंबर खिलाड़ी हैं रेट पर, बोनस अटेंड किया था और ये दो और कितने पॉइंट देखे जाएंगे सनराइजर स्पोर्ट्स क्लब के खिलाड़ी पकड़ नहीं पाए। बोनस भी मिला और दो पॉइंट और मिले हैं एमडी स्पोर्ट्स क्लब को। अब तीन नंबर खिलाड़ी गए हैं, लास्ट 4 मिनट्स टू गो, और इस खिलाड़ी को पकड़ लिया है एमडी स्पोर्ट्स क्लब के खिलाड़ियों ने, और एक और पॉइंट मिला है एमडी स्पोर्ट्स क्लब को। और अब 10 नंबर खिलाड़ी हैं रेड पर। हेलो, एक और पॉइंट, एक और पॉइंट मिल गया है एमडी स्पोर्ट्स क्लब को। दर्शक बिल्कुल शांत, और अब रेड है, फॉर्मेलिटीज बची है केवल। सनराइजर स्पोर्ट्स क्लब की और रेडर को आउट दिया रेफरी ने। आउट कॉल क्या था, कैंट ब्रेक था, कैंट ब्रेक ना, कैंट ब्रेक था, झेल रहे थे कैंट ब्रेक कॉल भाई अंपायर सीनियर नितिन। और 1+2 एक और लोना लगाया है यहाँ पर, तीसरा लोना, एक और लोना लगाया है एमडी स्पोर्ट्स क्लब ने। और मसूद एक और पॉइंट लिया है एमडी स्पोर्ट्स क्लब ने, और प्लेयर नंबर 27 मोंटी है रेड पर एमडी स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से। ये जो आयोजन समिति है मसूदपुर डेयरी, उन्हीं का क्लब है, किसी तरह की इंजरी का शिकार ना हो एमडी स्पोर्ट्स क्लब। एमडी स्पोर्ट्स क्लब की पूरी जो फॉर्म है वो है मसूदपुर डेयरी क्लब। रेफरी कॉल 7 नंबर सनराइज स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से। अब रेड पर है 7 नंबर खिलाड़ी,
फाइनल कॉल फॉर बिना कोई पॉइंट ले वापस आए सात नंबर खिलाड़ी आर्यभट्ट कॉलेज फिर रेड पर है दस नंबर खिलाड़ी दी कबड्डी क्लब आर्यभट्ट कॉलेज प्लीज आप वार्म अप हो जाओ इसके तुरंत बाद स्टार्ट करेंगे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बोनस मिला है रेडर को एक और पॉइंट मिला है एमडी स्पोर्ट्स क्लब को और ये मैच मैच का आखिरी एक मिनट है आखिरी एक मिनट बचा है इस मैच में रेडर आउट खिलाड़ी नंबर तीन और इसी के साथ ये मैच खत्म हो गया है और इस मैच को जीता है मसूदपुर डेयरी फार्म ने जो कि प्रदीप से हमारे एक मैच से यहाँ की जो आयोजन समिति है व्यक्ति के उसी का क्लब है दोस्तों के जवाब दे किसी व्यक्ति के दोनों हाथों में एक अंगूठा एक उंगली कम और चार चार रह जाए तो क्या वो रेफरी बन सकता है ये है नहीं रेफरी प्रदीप से सवाल है जूनियर स्मार्ट है मुझे पता है नर्वस था सनराइजर क्लब के खिलाड़ी बेटा कैप्टन कौन है एमडी का बुलाना बुलाना और ये जो खिलाड़ी हैं मैच समाप्त होने के बाद जो यहाँ पर ग्राउंड में मंदिर बना हुआ है उस पर मत्था टेकते हुए और इसी के साथ ये मैच खत्म हुआ है कोई बात नहीं कोई बात नहीं